अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के थाना परीक्षित गढ़ क्षेत्र के अगवानपुर गांव में पुलिस पर आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के परिजनों की पिटाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अमानतुल्लाह खान की बहनों ने खुद अपना बयान जारी करते हुए पुलिस पर मारपीट करने व गांव में घुमा घुमा के जलील करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जीतने पर अगवानपुर में अमानतुल्लाह खान के कुछ रिश्तेदार जश्न मना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन जब इस घटना के दौरान अमानतुल्लाह खान के भाई व चाचा मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट की। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बहनों ने वीडियो जारी करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने न केवल उनके चाचा के साथ बदतमीजी और मारपीट की, बल्कि चाचा के पक्ष में बोलने पर उनको भी पीटा और मारपीट करने के बाद उन्हें जलील किया और बाल पकड़ के उन्हें घसीटा गया। इसके बाद अमानतुल्लाह खान की बहनों ने वीडियो जारी करते हुए पूरी दास्ता बताई। उन्होंने कहा कि उनके चाचा कानून पसंद व्यक्ति हैं और हमेशा पुलिस की मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन पुलिस ने आज उनको बुरा भला कहा और मारपीट की और उनके पक्ष में बोलने पर उनकी भतीजी को भी नहीं छोड़ा। आइए देखते हैं इस मामले पर क्या कहना है SSP अजय साहनी का। किले में बताया जा रहा है कि जश्न को लेकर कुछ अभद्रता का आरोप लग रहा है, क्या है सर पूरी घटना? आज सुबह ये संज्ञान में हमारे आया है। कल शाम को दिल्ली में किसी व्यक्ति के चुनाव जीतने पर एक यहाँ पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। थाना प्रभारी को पता चला तो उन्होंने उन्हें बताया कि अनुमति नहीं ली गई है जुलूस निकालने की, तो ऐसा किसी प्रकार का काम ना करें जिससे जनपद का माहौल ख़राब हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरठ पिछले कुछ दिनों से काफ़ी संवेदनशील स्थितियों से गुजर रहा था, इसके तहत उन लोगों को रोका गया है, ये पूरा इशू है। अब साथ ही ये भी देख लेते हैं कि इस मामले पे क्या कहना है आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बहने का। मेरा नाम नजमी खान है, मेरे अब्बू का नाम जमीरुल्लाह खान है, मेरे चाचा का नाम नूरुल्लाह खान है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं MA की स्टूडेंट हूँ। दिल्ली में जो आज चुनाव का रिजल्ट आया है जिसमें मेरे भाई अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल की है, जिसकी खुशी की वजह से हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे। मिठाई बांटते में अचानक से पुलिस आ गई और उन्होंने उन पर हमला किया जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई और शोर शराबा होने लगा। हमने शोर शराबा सुनकर अपने चाचा को उठाया और चाचा हमारे लोवर टी शर्ट में ही थे, चाचा हमारे बिना चप्पल के ही बाहर गए और उन्होंने पुलिस से बोला कि ये खुशी की मिठाई है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर पुलिस ने उन पर हमला किया और उन्हें गाली गलौच दी और पुलिस वाले कार में से उतरे और ज़बरदस्ती उन्हें बिठाने लगे, बोले कि आज तेरी नेतागिरी हम झाड़ेंगे। हमने इस बात पर विरोध किया और अपने चाचा को पीछे से पकड़कर वहां से भेज दिया। पुलिस वालों ने ये बात देखकर उन्होंने हमारे पीछे से बाल पकड़े और हमें घसीटते हुए पूरे गांव के चक्कर लगवाए। हम एक स्टूडेंट है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। ये हमारे देश में जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है? पुलिस किस लिए? महिलाओं की बेइज्जती करने के लिए है? अरे पुलिस तो इसलिए होती है कि महिला की रक्षा करे। हमारे चाचा जो हैं वो हमेशा पुलिस का सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे गांव में प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे थे कुछ लोग, मगर हमारे चाचा ने मना कर दिया और सुबह के 3 बजे हमारे चाचा पुलिस वालों के साथ थाने में रहे और 5 बजे भूखे थे, बिल्कुल कुछ नहीं खाया था उन्होंने। और आज पुलिस वाले बोल रहे हैं कि सब कुछ इस गांव में जो भी होता है नूरला करता है। मेरा नाम नजमी खान है, मैं MA की स्टूडेंट हूँ। मेरे अब्बू का नाम जमीरुल्लाह खान है, मेरे चाचा का नाम नूरुल्लाह खान है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। दिल्ली में जो आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें हमारे भाई अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल की है। इसी खुशी के दौरान हमारे कुछ रिश्तेदारों ने मिठाई बांट रहे थे, अचानक से पुलिस आ गई जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई, इससे शोर शराबा मच गए और हमारे चाचा सो रहे थे। फिर हमने उनको उठाया और बोला चाचा बाहर देखो क्या हो रहा है। हमारे चाचा बाहर गए और ये बोले कि ये तो खुशी की मिठाई है, ना कि ये प्रोटेस्ट हो रहा। ये सुनकर पुलिस वालों ने चाचा को का गिरेवान पकड़ लिया और फिर पुलिस वालों ने चाचा को ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में ले जाने लगे और ये बोला कि तेरी नेतागिरी तो हम निकालेंगे, कहाँ का नेता बनता फिरता है तू। इसी दौरान हम सब इकट्ठा हो गए, मेरी चाची और हम, मेरी फूफी, मेरी सारी कज़िन, हम कार के पास पहुँचे। हमने चाचा को कार से नीचे उतारा और हमने बोला, फिर हमने चाचा को कहीं दूर भेज दिया।
इसी दौरान पुलिस ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए मुझे बाहर ले जाने लगे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये बोले कि बता तेरा चाचा कहाँ है तेरा नेता, हम उसे बताएंगे। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैंने हाथ जोड़े उनसे, मैंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तेरी एक नहीं सुनेंगे हम तेरी, तूने ये जो डंडा देखा है ये बहुत जोर सा लगता है। और मुझे रास्ते में जैसे कोई इंसान भी कोई देख रहा था, उन्होंने उसको भी ऐसे घूरा जैसे उन्हें भी ऐसे जैसे जो बदसलूकी मेरे साथ कर रहे हैं उनके साथ भी करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े, जैसे मैं नीचे गिरी उन्होंने मेरे बाल उपाड़ कर मुझे ऊपर उठाया। बोले कि ड्रामा मत दिखा, ये बता कहाँ की है, कहाँ है तेरे रिश्तेदार, कहाँ है तेरा चाचा, कहाँ है तुम सब, हम आज बताएंगे तुम ये क्या कर रहे हो। हम मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत रोई चिल्लाई। हमारे चाचा हर तन मन से साथ रहते हैं पुलिस वालों के और सबकी मदद करते हैं। मेरा नाम जैना खान है, मैं ग्राम अगवानपुर से हूँ, जिला मेरठ से। मेरा अब्बू का नाम नूरुल्लाह खान है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आज दिल्ली में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें हमारे चाचा अमानतुल्ला खान ने जीत हासिल की है, जिसकी खुशी में हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे और वो मिठाई बांटते बांटते हमारी बैठक के आगे आ गए, जिससे अचानक से पुलिस आई और उनमें शोर शराबा मच गया। मेरा अब्बू सो रहे थे, जिसका शोर शराबा सुनकर मैंने अपने अब्बू को उठाया, अब्बू बाहर गए, अब्बू नाइटी में ही थे मेरे। अब्बू ने पुलिस वालों से बोला कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशी है उनको। पुलिस वालों ने एकदम से मेरा अब्बू का गिरवान पकड़ा और बोले चल तुझे बिठाते हैं आज गाड़ी में, और उन्होंने मेरा अब्बू को बहुत गाली गलौच दी और बहुत बदतमीजी की, जिसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हमें भी बदतमीजी की, हमें भी गालियां दी। हम अपने अब्बू को पीछे से पकड़कर अंदर ले गए। पुलिस वालों ने उसके बाद हमसे बहुत बदतमीजी की। मैंने उनसे बोला कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रही है, ये एक खुशी की मिठाई बट रही है। उन्होंने कहा अच्छा तू ज्यादा बोल रही है। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, और जिससे मेरी कजिन आई वो एमबीए की स्टूडेंट है, उन्होंने हम दोनों को पकड़ा और हमारे बाल घसीटते हुए हमें पूरे गाँव का चक्कर लगाया। ये बोला बता कहाँ है तेरा बाप, आज उसे नेता बनाएंगे हम ही, क्योंकि हमने अपने अब्बू को वहां से भेज दिया था। तो उन्होंने हमें कार में बिठाकर और ये कहा बता कहाँ है तेरा बाप, उन्होंने हमें बंदूक भी दिखाई, देख रहे हो ना ये। हमने कहा हमें नहीं पता कहाँ है हमारे अब्बू, हमने बोला हम स्टूडेंट है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने बोला अच्छा आज तेरी वकालत हम जाड़ेंगे, और उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। इस खबर में बस इतना ही, विस्तार से खबर देखने के लिए गूगल पर विजिट करें फर्स्ट बाइट इंडिया। नमस्कार।